आज डे टू है, काफ़ी अच्छा निकल रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं फिशिंग के लिए एंड एज आई से व्यूज़ आर जस्ट अमेजिंग। सो वी आर हियर फॉर फिशिंग ट्रिप, राइट? क्या चाहिए मुई आपको? छोटा छोटा। फिश सेशन करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें या बोट वाले या किसी को भी एक भी फिश नहीं मिला। बट एनीवेज राइड बहुत अच्छा था, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग आइलैंड विला से चेकआउट करके वाटर विला में जाने वाले हैं। इसके वाटर विला वो भी एक काफ़ी अच्छा और लग्जरी रूम है। लगभग 1:30 बजे हमें वहाँ पे चेक इन करनी है, तो उसके बाद मैं आपको वो रूम दिखाता हूँ। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। लुक हियर, मोहित इज ऑल्सो देयर। हाय, कहाँ जा रही हो मोहित? सो वी आर हियर इन आवर ब्रेकफास्ट। तो ये हमारे रिसोर्ट का इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, पीछे बार है। हियर वी आर इन एक्वा रेस्टोरेंट। यहाँ पे कोको बुद्धू इति में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, 6 रेस्टोरेंट है, जिसमें से केयर तो मैंने दिखाया आपको ऑलरेडी, जो मेन रेस्टोरेंट है। एंड दिस इज़ एक्वा। इसको प्री बुक करनी पड़ती है, रिजर्वेशन करवानी होती है मॉर्निंग में। तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी अमेजिंग स्पॉट पे है, व्यू काफ़ी अच्छा है, डाइनिंग के लिए परफेक्ट है। सामने भी एक आइलैंड दिख रहा है। तो हम आ गए हैं कोको रेसिडेंसेस में। ये काफ़ी लग्जरी कैटेगरी में आता है। आपने जो देखा पहले आइलैंड विला था, अल्ट्रा लग्जरी था, एनी टाइम 5-स्टार होटल से बेटर। आ गए हैं कोको रेजिडेंसेस में, विच इज़ अ वाटर विला। मैंने पहले आपको बताया था कि 2 दिन हम लोग आइलैंड रिजॉर्ट में रुकने वाले हैं, आइलैंड विला, एंड नाउ दिस इज अवर विला। दिस इज अवर एंट्रेंस, this is our living area, you all can see this, everything is there yahan pe jo ki living area mein hota hai, and if you see living area ke balcony, I mean it's just amazing, it's like a dream ki koi balcony se dekhe to aur aisa view mil jaye, and jab to this side you all can see this is infinity private pool, and this is seating area. And our villa is basically east facing, so we will be able to see sunrise. Hopefully हम लोग कल सनराइज के टाइम पे उठ जाए तो हमें वो ब्यूटिफुल व्यू देखने मिलेगा। And this is a stair from where we can directly go down in the sea. That side you can see that is spa area. अगर spa लेना है तो that area we are supposed to go. हम exactly अभी वहाँ से आ रहे हैं। You can see that jungle type over there. तो पहले हमारा villa वहाँ था, island villa. अब हम वहाँ से water villa में move किए हैं। I'll show you my rooms now. ये हमारा आ गया सामान, and this is our room basically. You all can see ये lounge दिया हुआ है उन्होंने। This is how it looks. और रूम के बाहर भी जो व्यू है, it is again the same. It's just amazing. This is wardrobe area. And this is our bathroom area. You can say this is a bathtub given to us over here.
Just look, have a look at the bathtub. And this is outer shower area. तो यहाँ पे आप बाहर में शार के मजे ले सकते हैं. And this is how our room is. अभी टाइम है हमारा वाइन ओपनिंग टाइम. एक तो वाइन को ओपन करना ही बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, पता नहीं कैसे क्या ओपन करेंगे. सो दिस वन वी गॉट कॉम्प्लीमेंट्री. ओके आई थिंक हो जाए ओपन. ये चीयर्स. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों. बस अभी उठा हूँ, आज चेकआउट का डे है. बट बारिश हो रही है. बट लुक एट द व्यू. तो आज हमारा चेकआउट है कोको बुद्धू इत्ती से. आज हम रिटर्न इंडिया जा रहे हैं. ऐसा लग रहा है शायद 2-3 दिन और होते तो काफ़ी अच्छा होता. ये हमारा रूम कॉटेज जो भी है बोल लीजिए. स्नेह वो कॉर्नर पे है. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सो डैट मैं और भी जगह एक्सप्लोर कर सकूँ. हम हमारा टाइम आ गया है मालदीव्स को अलविदा करने का. सो नाउ वी आर लीविंग. बड़ा दुख हो रहा है जाने में. Alright, so this is the end of our Maldives trip. We are moving towards reception to check out. मन तो बिल्कुल भी नहीं है जाने का. बहुत भारी मन से हम लोग बाय बोल रहे हैं मालदीव्स को. It is so amazing and beautiful place. यहाँ पे तो मुझे लगता है अगर हम एक हफ्ता भी बिता देंगे तो ऐसा लगेगा कम ही बिताया हुआ है. But ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. सोचा नहीं था मालदीव्स वापस आएंगे, बट अब ये जगह, ये शांति, ये कामनेस देख के तो लग रहा है कि दोबारा आना तो बनता ही है.